पूरा बोल दिया और वीडियो ही नहीं ऑन थी। और बार और इस बार मैं रिकॉर्ड का बटन दबा दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ छवि अरोरा एंड हैप्पी न्यू ईयर। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर खुशी होता है। आज चाय विद छवि वाले एपिसोड की पहली आज चाय विद छवि वाली वीडियो का पहला एपिसोड होने वाला है। सो मैंने सोचा था कि इसके लिए मैं कुछ अच्छा टॉपिक चूज करूंगी। मतलब वैसे भी सारे टॉपिक अच्छे हैं, पर मैंने एक बार जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने सोच रखा कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं एक टॉपिक तो लूंगी, क्योंकि वो मैं भी बहुत सोचती थी यहाँ पर आने से पहले कि ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, क्या होता होगा। तो वो टॉपिक यही है जो कि है होम सिकनेस, और मतलब कि घर से दूर रहने में, पेरेंट्स से दूर रहने में कैसा लगता है और क्या उससे सच में डील कर पाते हैं नहीं। ये ऐसा तो नहीं लगता रहता पूरे टाइम कि मुझे घर जाना है घर जाना है और फिर पढ़ भी नहीं पाते। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा ही लगेगा मेरे को और मैं है ही नहीं पाऊंगी घर के बिना। मतलब मेरे को ऐसा ही लगता रहता था पूरे टाइम फिर। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मेरे ओपिनियंस इसके बारे में चेंज हो चुके हैं, तो मैं वही डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। और हाँ, तो देर नहीं करती, लेकिन हाँ एक और चीज़, क्योंकि चाय भी छवि है तो हमारी चाय भी रेडी है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये रही चाय, और इसमें पता नहीं चाय कभी ठंडी होती ही नहीं है। और थैंक्स टू प्रेक्षा अगर आप ये देख पा रहे हो, ये रहा। हाँ तो अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस टॉपिक को, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ। तो जब मेरे को घर से आना था यहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब बातें करती हूँ घर पे, बट द थिंग इज कि मैं एक मतलब ऐसी बच्ची रही हूँ जो घर पे ही रहती थी ऑल द टाइम। मतलब कि बहुत ही कम मैं बाहर जाती थी। ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं बनाती थी, ऐसा कुछ दोस्त तो थे, बट मैं घर पे ही रहती थी ऑल द टाइम। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि घर के बिना मैं कैसे रहूँगी, अलग जगह पर अलग दोस्त, और मतलब मम्मी पापा की याद आएगी या नहीं। और जैसे घर पे सबके साथ टीवी देखना, मूवी देखना, चाय पीना, मतलब चाय पीना तो कंपलसरी है, तो वो सबके बिना मैं कैसे रहूँगी, ऐसा मेरे को लगता ही रहता था पूरे टाइम। और हाँ, जैसे मैंने ना इसमें कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, क्योंकि वरना अगर मैंने बिना पॉइंट्स के बोलना शुरू करा तो मैं कुछ भी बोलती रहूँगी और टॉपिक से ही भटक जाऊँगी। तो मैंने पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, तो मैं इसमें से ही बोलने वाली हूँ। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है और जो भी मैंने अपने दोस्तों से बातें करी और उनको कैसा लगता है। मैं ना बहुत ही डर गई थी कि मतलब मेरे को, मतलब मेरे को डर लग रहा था कि आना चाहिए बाहर या नहीं। मतलब कि ऐसे डॉक्टर बनने के लिए बाहर आना ही सही है नहीं। मतलब मैंने हमेशा से सोचा था डॉक्टर बनने का, तो इतना तो पता था कि घर से दूर तो जाना ही होगा, लेकिन इतनी दूर जाना होगा इतना भी नहीं सोचा था। तो मैं बहुत ही वो थी, लाइक मेजर पॉइंट तो पॉइंट था कि मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, आऊँ या नहीं आऊँ। वो यही था कि मैं घर से दूर रह लूँगी या नहीं, यही था मेरा मेजर पॉइंट। और इसके बारे में मैं बताऊँ तो मैंने एक भैया से भी पूछा था जो यहाँ पर ही पढ़ते हैं, और मैंने उनसे पूछा था कि मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैंने उनसे पूछा था कि घर से दूर मैं कभी रही नहीं हूँ, तो इधर आके इतना वो तो नहीं होता ना कि रह लेते हैं ना, और ऐसा तो नहीं लगता कि घर जाना है और पढ़ाई कर लेते हैं, कैसा है यहाँ पर। मतलब ये कोई और हमें कैसे बता सकते हैं कि हम रह लेंगे या नहीं रहेंगे। तो सिमिलरली मैं भी आपको ये नहीं बता दूंगी कि आप रह ही लोगे या नहीं रह पाओगे, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि और लोगों के साथ कैसा होता है और मेरे साथ कैसा हुआ। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि होम सिकनेस किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ या सिर्फ जो इमोशनल लोग होते हैं उनको ये ऐसा फील होता है, जिनका स्ट्रांग माइंड सेट है उनको कभी घर की याद आती ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने सब दोस्तों में देखा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको घर की याद एक ना एक पॉइंट पे आती ही है। किसी के घर में शादी है तो उनको याद आ रही है, कोई बहुत अपसेट है तो याद आ रही है, ये जेन्युइनली बिना किसी रीज़न के हैप्पी मोमेंट शेयर करने के लिए, कुछ भी शेयर करने के लिए याद आती ही है। और मतलब ऐसा लगता ही है कि काश अभी हम घर में होते, ऐसा ऐसा। तो ये लगना बहुत ही ऐसे नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही इमोशनल या सेंसिटिव लोग हैं उनको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फीलिंग है और किसी को भी लग सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बहुत ही कंफ्यूज हो कि आपको अपने घर से दूर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप घर से दूर चले गए तो पीछे कोई होगा नहीं, या घर पर कुछ भी हो सकता है, या फिर मैं खुद भी कैसे रहूँगा घर से दूर, या मेरे मम्मी पापा कैसे रहेंगे, ऐसे वैसे। तो जैसा कि मैं भी ऐसे ही सोचती थी,
पर फिर मैंने बात करी मम्मी पापा से, या फिर मेरी एक बहुत क्लोज है मासी, उनसे बात करी, तो सबने यही बोला कि मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना चाहिए। और मतलब कि पूरे टाइम तक तो कोई भी घर पे नहीं रह सकता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा। मतलब कि हमारे मम्मी पापा भी, वो लोग भी तो निकले थे ना कुछ काम वाम करने के लिए, तो कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा, तो वाई नॉट कि जब चांस मिल रहा है तभी जाओ। और मतलब कि ये हमारे कुछ ग्रोइंग ईयर्स है, तो अगर हमें चांस मिल रहा है इसमें कहीं जाने का या ग्रो करने का, पढ़ने का, और अगर तो वो घर पे रहकर हो सकता है, आसपास हो सकता है, तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं हुआ और हम यहाँ पर आया, तो इसमें भी कुछ बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि घर से दूर हो गए तो अब तो बहुत ही हमने गलत कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी आपको अपनी लाइफ सिचुएशन और अपने आप बारे में पता है, तो आपको उस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। और अगर आप घर के पास रहकर ये चीज़ कर सकते हो, अवेलेबल है ये चीज़ वहाँ पर, तो वहाँ पर रहकर करो। अगर सबके साथ रह के पॉसिबल है तो वही बेस्ट है। ऑल्सो एक और चीज़ कि ये सारा जो भी मैं बोल रही हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए आपको या ऐसा ही नहीं करना चाहिए। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि होम सिकनेस कुड बी लाइक एनी थिंग। मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स की याद आ रही है, सिर्फ इसी को होम सिकनेस नहीं कहते हैं। मतलब कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एकदम अचानक से घर जाने का मन कर रहा है, या आप, मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और चाय ही पी रही थी वैसे, और मेरे एक साइड में मेरी एक रूममेट बैठी थी, दूसरे साइड में दूसरी, और हम लोग कुछ देख रहे थे। तो अचानक से मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया और मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने घर में बैठ के चाय पी रही हूँ और मेरे आसपास मम्मी पापा और पारस, मतलब मेरा भाई बैठा है, और हम टीवी देख रहे हैं। और ऐसे मेरा स्ट्रांगली इतना ज़्यादा घर जाने का मन कर गया कि काश मैं घर में बस वैसे ही बैठी होती, कुछ करने ही देते हम बस वैसे ही बैठे होते। तो वो भी एक होम सिकनेस ही है जब अचानक से इतना मन कर जाता है। और इसके अलावा जैसे कि घर में मम्मी की खाने की याद आना, या साथ में बैठकर जैसे चाय पीते हैं, मूवी देखते हैं, या सब लोग साथ में एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उस सब की याद आना, या इंडिया के कल्चर की याद आना, या फिर जैसे कि हम तो एकदम अलग ही डिफरेंट कंट्री में ही है, तो यहाँ पर जैसे कि इंडियन लोग नहीं है हमारे आसपास एक्सेप्ट फॉर दिस हॉस्टल, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इंफीरियर है बाकी, मतलब ऐसा होता ही है। या फिर कोई हमें अगर डिफरेंटली ट्रीट कर दे थोड़ा सा, तो हमें इंडिया की याद आती है, वहाँ के कल्चर की याद आती है, फेस्टिवल्स पे इंडिया की याद आती है। तो ये सब कुछ होम सिकनेस में काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे जाना इज होम सिकनेस, बट दिस ऑल इज होम सिकनेस। इसके सो होम सिकनेस की जो फीलिंग है ना, इट इज़ इनएविटेबल। मतलब कि तुम इससे भाग नहीं सकते। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे तो याद नहीं आ रही, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में लगा हुआ हूँ पूरे टाइम, मुझे याद नहीं आती, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसा तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा दिखाते हैं, मतलब कि मान गए कि स्ट्रांग है। और इस फीलिंग में, इसको ओवरकम करने में स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई अग्री। बट ऐसे उस इमोशन को ऐसे वो नहीं कर सकते कि उस इमोशन को इग्नोर करें। याद आ रही है तो एक्सेप्ट करो एंड उसको ओवरकम करो, बट इग्नोर नहीं, इग्नोर करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, हम इससे डील कैसे करते हैं, मैं पर्सनली कैसे डील करती हूँ इससे, या अगर मुझे होता है तो क्या मैं एक ही कोने में पड़ी रहती हूँ, या फिर तब भी मैं अपने काम में लगी होती हूँ, मतलब क्या करती हूँ मैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। तो सबसे इजी और सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन जो हम सब फॉलो करते हैं, और अगर आपको भी याद आ रही है कभी अपने घर वालों की, अपने दोस्त की, अपनी मासी की, रिलेटिव की, किसी की भी, सो सबसे इजी सॉल्यूशन इज जस्ट वीडियो कॉल देम। किसी की भी याद आ रही है तो मे बी चांसेस है कि उनसे बात कर लो तो ठीक हो जाए वो चीज़। तो वही करती हूँ मैं भी, अगर मुझे याद आती है बहुत ज़्यादा कभी, तो मैं जस्ट वीडियो कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ काफ़ी देर, उनसे हाई कैसी चल रही है, दोस्त कैसे हैं, ये सब बताते हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक अंदर से। और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी जब बात करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो और सबसे इजी यही सॉल्यूशन है कि बात करो उनसे। हाँ, इसका एक एग्जांपल भी है कि जैसे कि ना आईपीएल चल रहे थे, मुझे याद है अच्छे से, तो आईपीएल में ना हम चारों की, मतलब मेरे और मेरे घर वालों की एक फेवरेट टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, हम सबकी वही फेवरेट है। हुआ क्या था कि जब फाइनल था ना आईपीएल का, तो चेन्नई सुपर किंग्स का था, तो ना मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा था, इतना मेरे को टाइम नहीं मिला था, पर मैंने सुना था कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, और लास्ट ओवर में देख रही थी। तो हुआ क्या कि मैंने ना मम्मी पापा को वीडियो कॉल लगा लिया लास्ट ओवर में, तो वो लोग भी बहुत ऐसे उसमें थे कि ये चल क्या रहा है, लास्ट ओवर में कुछ भी हो रहा है, और शायद लास्ट की दो बॉल बची थी और 10 रन चाहिए थे ओवरऑल। तो हुआ क्या कि हम सबकी ऐसे धड़कने बढ़ी हुई थी, तो फिर लास्ट की एक बॉल हो गई और उस पर छक्का पड़ गया शायद, तो हम बहुत खुश हो गए कि ये अब एक ही बॉल बची है और 4 रन चाहिए,
और फिर लास्ट में वो 4 जन भी चले गए, तो मैं तो लाइक लिटरली भागी हूँ हॉस्टल में अपने फ़ोन को हाथ में लेकर, और मम्मी पापा भी इतना खुश इतना खुश, मेरा भाई इतना ज़्यादा खुश, उसकी तो लाइक वो पागल है उस टीम के पीछे। तो हम लोग सब इतना खुश थे और मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने घर से दूर हूँ। तो इसमें मैंने क्या करा, मतलब IPL हम साथ में देखते हैं, मैं इस बार साथ में नहीं थी, मैंने क्या करा, मैंने बस वीडियो कॉल करा और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं दूर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनके साथ भी सेलिब्रेट करा वीडियो कॉल पे, और मैंने अपने दोस्तों के साथ भी हॉस्टल में भाग भाग के, सब लोग भाग रहे थे, पूरा हॉस्टल ऐसे पागल हो गया था कि जीत गए जीत गए जीत गए ऐसा। तो बहुत ही लाइक अच्छी फीलिंग थी वो। एंड हाँ, लाइक दूर रहकर ऐसे सेलिब्रेट किया जा सकती है चीज़ें, सो दिस इज़ वॉट सोल्यूशन नंबर 1 इज़। द सेकेंड सोल्यूशन इज़ कि टॉक विद योर फ्रेंड्स विद योर रूममेट्स, मतलब कि वो हमारे साथ इधर है तो लाइक चांसेस है कि जो हम फील कर रहे हैं सेम वो भी वही फील कर रहे हो। जैसे कि दिवाली पे अगर हमें अपने घर की याद आ रही है तो उन्हें भी याद आ रही हो, तो अगर हम उनसे ही बात करेंगे तो हमारे मन को बहुत हल्का लगता है, हम सब इधर साथ में हैं। हमारी भले ही लाइफ डिफरेंट हो कुछ भी हो, पर ये एक चीज़ है जो हम सब में सेम है और हम सब फील करते हैं। तो हाँ, 1 सोल्यूशन इज़ टू शेयर विद देम। सॉल्यूशन नंबर 3 वो ये है जो मेरे को लाइक बहुत ही पसंद है और मैं भी करती हूँ वो फॉलो, वो ये है कि जब भी मुझे घर की याद आ रही होती है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग कि यार घर की याद आ रही है तो बस अब सो ही जाओ या लेटे रहो या उसी नेगेटिव एनर्जी में या उसी इमोशन में पड़े रहो, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होता है। और लाइक हम अगर सैड हो तो हम अपने आसपास सबको सैड कर देते हैं, तो हमें खुद ही ठीक होना होता है, इन द एंड खुद ही हमें चीज़ें करनी पड़ती है ताकि हम ठीक हो जाए। तो एक और जो सॉल्यूशन है वो ये है कि डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, मतलब कि किसी और काम में लग जाओ। किसी को पढ़ाई करने का मन है तो पढ़ाई करो, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं मूवी देखती हूँ, वरना मैं गाने सुनती हूँ, अदरवाइज़ मैं ड्राइंग कर लेती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अगर मेरे पास नहीं है उस टाइम कोई बात करने के लिए, तो मैं ये सब तीनों चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ या मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो मुझे पसंद है, तो फिर वो जो फीलिंग है अनहैप्पी सी सैड सी वो चली जाती है। हाँ, तो बेसिकली दैट वॉज इट। एंड मतलब कि मेरा यही कहना है, जो मेरा ओपिनियन है पर्सनली होम सिकनेस पे, मैं बहुत डरती थी, मुझे ऐसा लगता मैं डील नहीं कर पाऊँगी, कैसे रहूँगी घर वालों से इतनी दूर कि मिलने भी ना जा पाऊँ। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, सब कुछ चिल है। जैसे अब मैं भी अडेप्ट कर गई हूँ यहाँ पर, मम्मी पापा भी मेरे बिना वहाँ पर अडेप्ट कर गए, मतलब कि ऑफकोर्स उनको कुछ खाली वॉइड फील तो होता होगा, मुझे भी होता है, बट लाइक हम बात कर लेते हैं तो सब चिल है, ऐसा मतलब कि सब कूल है, ऐसा नहीं है कि हम रो रहे हैं ऐसा कुछ। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब था ऐसा कि मम्मी वीडियो कॉल पे रो रही है, या मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा होता था, उनकी मम्मी भी वीडियो कॉल पे रोती थी, तो तब ऐसा था। लेकिन अब सब लोग चिल है, और ऐसे अगर हम खुश हैं तो हमें खुश देख कर मम्मी पापा भी खुश रहते हैं, तो ऐसा है। तो हमने डील करना सीख लिया इस चीज़ से। हाँ, तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि एक बार जब हम सेटल कर जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है होम सिकनेस, हम लोग इससे डील कर ही लेते हैं। बस हमारे में एक वो माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, हम इधर अपने करियर के लिए आए हैं, कुछ टाइम के लिए आए हैं, तो हम अभी अच्छे से उस पर ध्यान देते हैं। जब भी आता है घर वालों से तो उनसे बात कर लो, या फिर जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया उनमें से कुछ फॉलो कर लो, सो सब ठीक हो जाता है। तो बस यही, इतना ही माइंड सेट होना चाहिए, एंड येस, यू कैन डील विद इट टू। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको घर से दूर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सो आई होप कि ये वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से चाय विद छवि की नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।